Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो हेलो, सुनो। बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक नंबर के निकम्मे नाकारा आदमी हो तुम, सो जस्ट गो टू हेल। फोन, बहुत जरूरी काम है, मुझे बाहर खड़ा, मैं जल्दी आऊँ तुम्हारे घर के। तो वही कोई गड्ढा ढूंढो, उसके अंदर डूब मरो, समझे? तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो करनी है, और गड्ढा कहाँ से ढूंढू यहाँ पे? यहाँ पे फाउंटेन था, इसके अंदर डूब जाऊंगा। जल्दी आओ बाहर, नहीं तो अंदर आ जाऊंगा मैं 2 मिनट के अंदर। ए! टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, अगर मेरे घर के अंदर कदम रखा तो। दे ले भाई, तू भी गाली दे ले, किस्मत भी गालियां दे रही, लोग भी गालियां दे रहे, तू भी दे, तू भी कसर निकाल ले। आ जा बस। हेलो, बोलो। हाँ हाँ, गुड न्यूज को पक्की समझो। तुमने मैच मेकर को हैरी का फोटो भेज दिया ना, तो बस अब चिंता मत करो। मैंने जो रिश्ता ढूंढा है ना हैरी के लिए, वो एकदम परफेक्ट मैच है। दोनों का पैर इतना अच्छा लगेगा ना। अरे हाँ हाँ, आई एम टेलिंग यू, शादी हो जाएगी। अब तक नहीं हुई है ना, अब तो मैं हैरी की शादी करवा करूंगी। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। ओके बाय। कहीं मेरी बात किसी ने सुन तो नहीं ली? इसकी तू मारेगा मुझे? हाँ तू मारेगा मुझे। मेरी बात सुनो, दो कौड़ी का सबसे बड़ा लूजर तू हाथ उठाएगा मुझ पे? बात तो सुन, मुंह बंद। इतना बढ़िया मौका बना के दिया तुझे मैंने कि तू लक्ष्मी से शादी कर ले, लेकिन तूने क्या किया? वो दो कौड़ी की बेवकूफ गवार लड़की तुझे उल्लू बना के चली गई, और तू जिंदा कैसे? हाँ, मरा क्यों नहीं? उस हवन कुंड की आग में जल के मर जाता ना बलविंदर। नहीं जला उसमें, पर अब तो जल रहा बदले की आग में। तब से जल रहा, रोज अपनी शक्ल देखता हूँ ना, मन करता है चांटे मारूं खींच खींच के। तुम गाली दे रही, ठीक है गाली दो, गाली खाने के काम पर रखे मैंने इसी लाइकों में। तुम एक काम करो, चांटे मारो। डोंट यू डेयर टच मी बलविंदर, हाथ मत लगाना दोबारा, समझा? हट, पीछे हट। पीछे हटने आया क्या? पीछे हटने के लिए इतना काम किया था? सोचा था ठंडी हो रखी अपना, कहीं पहाड़ों पुड़ों पे जाऊंगा, हिमाचल वगैरह, लक्ष्मी के साथ हनीमून मनाने। देख लो यहाँ पे, बेवकूफ हूँ मैं, महा बेवकूफ, और मेरे दोस्त मेरे से बड़े बेवकूफ। थोड़ा ध्यान रख लेता बस, गलती होगी और बहुत बड़ी गलती होगी। और गलती मुझसे भी हुई है, जो मैंने तुझ पर भरोसा कर लिया। और तूने क्या किया है बलविंदर? आज तक ऐसा कोई भी काम किया है कि जिससे मैं सोचूं कि हाँ ये काम जैसे मैंने सोचा था ना वैसा ही हुआ? एक भी काम ऐसे तूने किया है क्या बलविंदर? नहीं। फिर यहाँ क्या करने आया है? मातम मनाने आया है? क्यों आया है मेरे पास? अब कहाँ जाता, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, मेरी कहाँ तक है? लक्ष्मी तक। और मैंने सोच रखा मेरे से गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करूंगा और लक्ष्मी को अपना बना के रखूंगा, अपनी बीवी बनाऊंगा। क्या उसके लिए मरना पड़ जाए, किसी को मारना पड़ जाए, लेकिन अपना बनाऊंगा। तो फिर मरी जा बलविंदर, क्योंकि अब लक्ष्मी से शादी तो नहीं हो पाएगी तेरी। करूंगा, पक्का करूंगा, और लक्ष्मी से ही करूंगा, और तुम मेरा साथ दोगी। और पहले ना ऋषि को दूर करो लक्ष्मी से, उसी जारी जो उसमें घर जाके देखो मालकिन बन के बैठ के उसके। और देखो गुरु माँ, सीधी साधी बात है, अगर तुम्हें ऋषि चाहिए और मुझे लक्ष्मी चाहिए, तो हमें साथ रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, तुम्हें लक्ष्मी को हटाना है और मुझे लक्ष्मी को लपकना है, उसके लिए हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब यही तरीका है। Get lost. Get out from here. मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो खास तौर पे। अच्छा, क्यों नहीं चाहिए मेरी मदद? हाँ मेरी मदद थोड़ी चाहिए होगी अब तुम्हें, वो आ रखी ना तुम्हारी मोनिका माय डार्लिंग, अब तो उसकी मदद लग रही होगी पूरी। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, समझा तू? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे खुद के लिए क्या करना है, और तू अब तू चाहे मरे जिए, खुद से मरे या किसी और के हाथों मरे, तू खुद देख, समझा? मेरी बात सुन ले गुरु माँ, ये तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि तुझे ये टोन अपने पास रख, समझा तू? ये टोन अगर दोबारा अपनी जबान से निकाली, यही मर्डर कर दूंगी तेरा, समझा तू? भाग यहाँ से अब, जाओ अपने घर जाओ, वो तुम्हारी बीवी वहाँ इंतजार कर रही है ना बलविंदर, वो तुम्हारी बीवी जो फिर से लक्ष्मी की भक्त बनी बैठी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी दीदी ने उनकी शादी जो करा दी है ना, तो अब अगर उसे गलती से भी पता चल गया ना कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ बलविंदर, वो सीधा जाके लक्ष्मी को बताएगी, और लक्ष्मी वो सीधे जाके ऋषि को बताएगी। कुछ नहीं बताने, और इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, अगर ऋषि को पता चला ना बलविंदर, तो सब कुछ खराब हो जाएगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती, तो तू मेरे आस पास मत भटक, समझा तू? मेरी बात सुन लो, कुछ नहीं होने का, इस बात की टेंशन ना लो, कुछ नहीं बताने की, और मुझे पता इतना, और ना मैं पता चलने दूंगा। तुम बस इतना सा काम कर दो, ये बता दो लक्ष्मी को लेके क्यों गया ऋषि? लक्ष्मी की शादी कराने के लिए। ओ गॉड, तुम क्या हो गया?
सडनली ऐसे शॉक क्यों हो गए? अब तक तो स्माइल कर रहे थे, क्या हुआ? थैंक गॉड सोनिया तुम हो, मुझे तो ऐसा लगा किसी और ने मेरी बात सुन ली। बात सुन ली मतलब कोई सीक्रेट है? तो डोर तो बंद किया करो बुआ। सॉरी वो बेटर। सॉरी। चलो आप बताओ क्या सीक्रेट है? यू वर स्माइलिंग मतलब कोई गुड न्यूज है, बताओ। हाँ सोनिया, मैंने लक्ष्मी को फाइनली इस घर से बाहर फेंकने का रास्ता ढूंढ लिया है। व्हाट रियली? यू आर अ जीनियस। वैसे अच्छा हुआ ना कि मैं आई यहाँ पे, अगर हाना आ गई होती ना तो अब तक सारे घर में उसने ढिंडोरा पीट दिया होता कि आप लक्ष्मी के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही थी। आई नो सोनिया, ये हाना तो ना लक्ष्मी की चमची बन गई, पर एक बार ये लक्ष्मी इस घर से चली जाए फिर मैं हाना को भी सेट करूंगी और उस आयुष को भी। परफेक्ट, बट प्लान तो बताओ क्या करने वाले हो, आप कैसे भेजने वाले हो उसे बाहर, बताओ ना। डोंट वरी, कल तक का वेट करो, तुम्हें पता लग जाएगा। ओके ओके, आई जस्ट होप ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए और वो चालाक चालबाज लड़की लक्ष्मी ना इस घर से भाग जाए। चली जाएगी सोनिया, चली जाएगी इस घर से भी और ऋषि की जिंदगी से भी, क्योंकि इस बार प्लान मेरा है और मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता। ऋषि फिर से शादी कर रहा लक्ष्मी के साथ, दोबारा शादी कर रही है। लक्ष्मी की शादी कराने के लिए बोला मैंने, ऋषि की नहीं, वो लक्ष्मी की शादी कराना चाहता है किसी और के साथ। बताओ ये देखो क्या, और तुम मुझे बेवकूफ कह रही, ये इसे देख लो मन बुद्धि को अपने ऋषि को। बलविंदर नहीं, शादी करने, अगर उसे शादी करानी थी मैं नहीं था लड़का, नहीं मेरे को कमी थी, मेरे से करा देता शादी। क्योंकि उसे तुमसे शादी नहीं करानी थी लक्ष्मी की, अब वो खुद लक्ष्मी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है, उसके साथ शादी कराएगा अब लक्ष्मी की, समझे तुम? इसलिए अब भूल जाओ, लक्ष्मी को भी भूल जाओ और मुझे भी। ये तो गलत बात बोल ली मलिष्का, बलविंदर सांस लेनी भूल सकता है लेकिन अपनी लक्ष्मी को नहीं भूल सकता, क्या कारण कोई भी हो, अब चाहे जान देनी पड़ जाए या लेनी पड़ जाए, लक्ष्मी को तो अपना बना के रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।